नाला सोपारा में भगवान के घर चोरी। चोर भगवान का मुकुट ही ले उड़े। पुलिस जांच में जुटी। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर इंसान तो इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ते। मामला नाला सुपारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नाला सुपारा विरार फोर्थ रोड पर स्थित नर्मदेश्वर ओम महादेव मंदिर का है। मंदिर अभी बड़ा नहीं है, परंतु वहां पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगी रहती है। वहीं अभी हाल ही में 2 महीने के लगभग एक भक्त ने बजरंग बली को 11 तोले का चांदी का मुकुट चढ़ाया था। आपको बता दें कि श्रावण के पहले सोमवार की रात मंदिर में भजन कीर्तन हुआ, देर रात तक आयोजन चलता रहा। वहीं जब सुबह मंदिर के पंडित जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में बजरंग बली के शीश का 11 तोले के लगभग का चांदी का मुकुट वो लोहे की जंजीर में बंधी मंदिर में रखी दान पेटी चोरी हो चुकी है। मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही नाला सुपारा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। वहीं मंदिर में हुई चोरी की जानकारी मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त वो पुजारियों ने हमें दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुभेश मिश्रा है। मिश्रा जी, जगह कौन सी है? ये जगह बस नाला सुपारा और विरार लिंक रोड पे आती है, शनि मंदिर और महाडा कॉलोनी के बीच में ये जगह पड़ती है। अच्छा। छोटा सा मंदिर है, जो मंदिर पे हनुमान जी की प्रतिमा लाके किसी ने रखी थी। ओके। तो हम लोग इसमें सेवा भाव के हिसाब से जुड़े और आज मंदिर का थोड़ा सा हम लोग ने नव निर्माण के हिसाब से हम लोग ने कुछ अच्छा सोचा, तो हमारे साथ ऐसी विपत्ति आ रही है, बार बार बारिश आ रही है। एक बार तारपत्र हम लोगों ने लगाए, कम से कम भगवान हमारे छत्र छाया में रहे, लेकिन भगवान ने कुछ और चाहा तो एक बार तारपत्री उड़ गई, फिर हम लोगों ने तारपत्री डाला, अभी निर्माण किया तो थोड़ा बहुत बीएमसी वालों ने आके यहाँ पे थोड़ा सा तुरंत कार्रवाई भी कर ली। हम उनसे बाहर निकले ही कि एक चोरी, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पे। कल सावन की पहली सोमवार थी और इतना अच्छा माहौल बना था मंदिर में, और सुबह आते आते हम लोग को एक दुखद घटना मिली। क्या चोरी हुआ है? हनुमान जी के ऊपर 11 तोले का चांदी का मुकुट था। ये भक्त हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सप्रेम भेंट दिया था हनुमान जी के लिए, और एक दान पेटी थी जिसमें 3-4 हजार रुपए थी। पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया गया है? पुलिस प्रशासन ने अभी आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, शनि मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन से हमको पूरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। तिवारी जी, ये चांदी का मुकुट आपने दिया था? जी, मैंने दिया था। कब दिया था आपने? ये 2 महीना पहले। तो मैंने भी, हाँ। यहाँ पे अधिकांश भक्त आते रहते हैं? कई भक्त लोग आते रहते हैं, भीड़ होती है काफी, मंदिर चलता हुआ है। अच्छा, किस तरह के आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं? यहाँ शनिवार को सुंदर कांड होता है, सोमवार को शिव चर्चा होता है, मंगलवार को सुंदर कांड होता है, लोगों को भीड़ रहती है, लोग आते हैं, श्रद्धा भाव है। कहाँ कहाँ से आते हैं भक्तगण यहाँ पे? सब पूरा नाला सुपारा ईस्ट बेट से सब जगह से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे चोरी हो गई है, अब क्या कहना चाहोगे सोशल? अब चोरी हो गई है, बजरंग बली की कृपा है। हाँ, अब चोर चोरी किया है, अब वो तो वो जानेंगे। हाँ, हमारा भाव हम फिर लाके मुकुट पहना देंगे बाबा को। आप फिर पहनाओगे? फिर पहना देंगे। चोरी से एक दिन पहले आयोजन रखा गया था कुछ? हाँ, वो श्रावण का महीना था, सो ये था ना, शिव चर्चा हो रहा था और लोग भक्त आ रहे थे जल चढ़ाने के लिए बाबा को। रात में 11 बजे तक यहाँ पे लोग थे, 11 के बाद चोरी हुई है। 11 बजे के पास? 11 के बाद चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? शंभू मिश्रा। पंडित जी, आपको कब पता लगा कि यहाँ पे चोरी हो गई है? हम सुबह 5 बजे यहाँ जब पहुँचे तो पर्दा लगा था, और हम जब पर्दा हटाया तो देखा जो कड़ी ताला टूट के गिरा हुआ है और मंदिर खुला है, मुकुट गायब है, दान पेटी गायब। सबसे पहले आपने किसको सूचित किया? वहाँ एक लेडीज भक्त पूजा करने आती है उसको बोला, उसके बाद दूसरा भक्त वहाँ आता है साफ सफाई के लिए उसको बोला, तो फिर ग्रुप में मैसेज डाला और सबको मालूम। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में नाला सुपारा पुलिस कब तक मंदिर में हुए
चोरी की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की।